आप ऐसे आ जाओ, सुहासी भाई सर, राम पाल जी आप भी आ जाओ, राम पाल जी सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गुप्ता जी, सारंग जी, आज बड़ा खुशी का दिन है। एक हमारे युवा साथी, युवा नेता सम्मानी प्रधान सिंह जी जो विधायक हैं, आज हमें बड़ा खुशी और गौरव हो रहा है। हमारे आपकी नीतियों से जो कल्याणकारी नीतियां हैं, आपकी संगठन का जो काम है काफी पहले से वो प्रभावित है, वर्षों से हमारे साथ रहे। 15 महीने सरकार में घुटन महसूस की, कहीं और जाए थी काम नहीं हुई, और इसलिए आज उन्होंने बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम उठा के वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका आत्मीय स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि इस तरह का कदम प्रदेश और देश के हित में आपने लिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के हाथ से एक और विधायक फिसलता हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है, और ये बीजेपी ऑफिस की, दफ्तर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है, और खुशी का ये मामला है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक और कद्दावर नेता जो कि बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं और काफी सक्रिय हैं उस क्षेत्र में, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी बड़ा मलहरा से कांग्रेस के विधायक थे, इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, और ये इस्तीफा कल ही दे दिया था। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस बात को बताया है, और उनको समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को अब पुष्टि इसकी कर दी थी। लेकिन आज अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी। विश्वास सारंग, मंत्री विश्वास सारंग भी यहां पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके पहले भी मिठाई खिलाकर प्रद्युम्न सिंह लोधी को बधाई दी थी। मैं भी कर देता हूं। उपचुनाव के पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को यह है, हालांकि कांग्रेस अभी तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं लाभदायक साबित हो सकता है। हालांकि इसके बाद क्या असंतोष कम होगा या फिर असंतोष बढ़ेगा, इसमें देखना होगा। लेकिन एक और कद्दावर नेता, हालांकि प्रद्युम्न सिंह लोधी पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन विधानसभा चुनावों के कुछ दिन पहले ही प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, बड़ा मलहरा सीट से जीते। लेकिन अब जब प्रदेश में शिवराज सरकार है, तो एक बार फिर उन्होंने बीजेपी का रुख किया है, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया है उसका दामन, और बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इस सदस्यता ग्रहण के बाद खुशी जाहिर करते हुए प्रद्युम्न सिंह लोधी, आइए सुनते हैं इनको। मध्यप्रदेश के विकास पुरुष और हमारे मार्गदर्शक देश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद आदरणीय गुजी भाई साहब, विधानसभा में हमारे साथी रहे पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, कैबिनेट के मंत्री आदरणीय विश्वास जी, पूर्व मंत्री आदरणीय उमाशंकर जी, यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे साथी, हमारे पार्टी के सभी अनुसांगिक संगठनों के सभी प्रदेश जिले के सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष जाकर अपना विधानसभा से त्याग पत्र दिया था, और आज मैं पुनः उसकी पुष्टि के लिए गया था कि मेरा त्याग पत्र स्वीकार किया जाए, और उन्होंने मेरा त्याग पत्र स्वीकार।
आपको बताने की मुख्य वजह क्योंकि पार्टी की यहां सरकार है और जिन्होंने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है और विकास का पर्याय बन चुकी आदरणीय शिवराज जी और इस मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाश्री भारती जी के आशीर्वाद के कारण और हमारे क्षेत्र के हमारे जिले के सांसद भी हैं और प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय बेड़ी भाई साहब के कारण आज ये हो सका और इस पार्टी से ही क्षेत्र का विकास हो सकता था। मैं दो दिन पूर्व भोपाल आया था, विकास की बहुत सी योजनाएं थी और हम चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में और समूचे बुंदेलखंड में, क्योंकि अभी कोरोना संकट के कारण हमारे बुंदेलखंड से जो पलायन होता है वो तो बहुत तेजी से पलायन हुआ, लोग वापस आए, क्योंकि कम विकास होने के कारण आज पूरे बुंदेलखंड को रोजगार की जरूरत थी, कृषि संसाधनों में सिंचाई की जरूरत थी, परंतु विषम परिस्थितियों में जब हमारे प्रदेश में हमारे सरकार में अभी वित्तीय संकट चल रहा है, उसके बावजूद भी जब मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिंचाई परियोजना है, ये यदि स्वीकृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से पूरे विधानसभा का भला हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। और उन्होंने जैसे ही मेरा ये डीपीआर देखा, मैं आपको बता दूं मैं डीपीआर भी साथ लाया था, उन्होंने देखा और एक मिनट में पीएस को फोन किया और तत्काल ये स्वीकृति भी दे दी। ये वो काम होता है जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिल में दर्द था उन्होंने देखा और तत्काल से। ये 450 करोड़ की परियोजना है और इसमें 1700 हेक्टेयर में किसानों की सिंचाई होगी। मैं आपको बता दूं हमारे पूरे बुंदेलखंड से बहुत से लोग पलायन करते हैं, जिसमें मेरी विधानसभा से करीब 20,000 लोगों ने पलायन किया। आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक परिवार अपने दो बच्चों को टूटी साइकिल से लेके आ रहा है, पूरा बहुत तेजी से वायरल हुआ था, वो मेरी विधानसभा के लोग थे। आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ये क्षेत्र में ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री ने जीत दी है तो मैं समझता हूं ये पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए यदि मैंने अपने विधानसभा का ऋण चुकाया है तो निश्चित रूप से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ऋणी हो गया और इस कारण मैंने आज यहां त्याग पत्र भी दिया है। और हम चाहते हैं सत्ता के साथ, सरकार के साथ मिलकर पूरे बुंदेलखंड का विकास हो, गरीब पिछड़े लोगों का विकास हो और जो हम वादे करके आए, क्योंकि बड़ा मलहरा विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय उमा जी की विधानसभा थी, उनके बहुत से ऐसे विकास कार्य वहां थे, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई है और आने वाले समय में वहां की परियोजनाएं वो पूरी की जाएंगी। और साथ ही वर्तमान में दो कार और बहुत तेजी से जो स्वीकृत हुए हैं, बंदर प्रोजेक्ट जिसमें डायमंड प्रोजेक्ट और
उलझन परियोजना, उससे भी युवाओं को रोजगार मिलेगा डायमंड परियोजना में। और हम चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री साथियों का, आदरणीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र का और पूरे बुंदेलखंड का विकास कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवंत जी, ये कहा जा रहा है कि मंत्री बनाने का आश्वासन आपको मिला है, अभी ये थोड़ा दो मिनट ये पूरे पूरा जो ये है, ये सब विकास के लिए किया जा रहा कार्य है। और निश्चित रूप से इस सब पर निकले विकास के लिए हम आगे बढ़ा पाएंगे। हम अपने पूरे क्षेत्र का, सिर्फ विधानसभा ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड का विकास हम कर पाएंगे, ऐसी हमारी आशा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे नेता, प्रदेश के हमारे मुखिया